कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कामकाज का लेखा जोखा विस्तृत जानकारी देते हुए साझा किया। खंडवा जिले को दी गई अनेकों सौगात के संबंध में जिले के मानधाता विधायक नारायण पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा में नर्मदा जल और ओंकारेश्वर में पर्यटन को देखते हुए उसका सौंदर्यकरण, संत सिंगाजी महाराज की समाधि को पर्यटक स्थल का दर्जा मिलने और भी कई सौगात के बारे में बताया गया। वही डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को मिलने वाले फंड में भेदभाव पूर्ण कटौती करना बताया है। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के महासचिव परमजीत सिंह नारंग, डॉक्टर मनोज मिश्रा, इंदल पवार आदि उपस्थित थे। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।